बड़ी खबर का रुख करते हैं क्योंकि जयपुर में सेलटेक्स की असिस्टेंट कमिश्नर अनुसुईया कुमारी को 1,15,000 की घूस लेते ट्रैप किया गया। एसीबी के मुताबिक आरोपी बाबू रवि पारिक के जरिए रिश्वत मांग रही थी। ये रिश्वत रिफंड की राशि को लेकर मांगी जा रही थी। इस दौरान डीजी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, एडीजी सौरभ श्रीवास्तव और आईजी दिनेश एमएन के मॉनिटरिंग में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एएसपी नरोत्तम वर्मा की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के बाद डीजी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी से खास बातचीत के हमारे सहयोगी नवीन शर्मा ने। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। और ये जरा देखिए किस तरीके से जो घूस यहां पर ले रहे थे वो चेहरा छुपाते हुए नजर आए, लेकिन इस छुपे हुए चेहरे पर जो कालिक पुती है उसको किस तरीके से दूर किया जाएगा, कैसे छुपाया जाएगा, ये दरअसल अपने आप में बड़ा सवाल। चेक। एसीबी ने आज प्रदेश में दो बड़ी कार्रवाई करते हुए दो बड़े घुसखोरों को पकड़ा है। एक तो सेलटेक्स विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर अनुसुईया कुमारी, तो दूसरी धौलपुर एसडीएम भंवर लाल को 10,000 रुपये की रिश्वत वापस करते हुए ट्रैप किया गया है। हमारे साथ एसीबी डीजी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी खुद मौजूद हैं कि सर किस तरह की कार्रवाइयाँ थी, दोनों कार्रवाई के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जब भी हमारे पास रिश्वत को लेकर कोई शिकायत आती है तो हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं और वेरिफिकेशन होने के बाद ट्रैप की कार्रवाई की जाती है। दोनों ही केसेस में हमारा वेरिफिकेशन सफल हुआ, हमारी परिवादी की जो शिकायत थी उसका वेरिफिकेशन हो गया, तो उसके बाद से ट्रैप की कार्रवाई की गई। अनुसुईया कुमारी जी लगभग 1,15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए जो वो रवि पारिक बाबू के जरिए ले रही थी उनको ट्रैप किया था हमारी जयपुर ग्रामीण की टीम ने, और धौलपुर एसडीएम भंवर लाल जी उन्होंने कोई 10,000 रुपये पहले ले लिए थे एक ज़मीन के 4 बीघा ज़मीन के मामले में कार्रवाई करने के लिए। तो परिवादी की शिकायत ये थी कि उन्होंने काम नहीं किया, उनका ट्रांसफ़र भी हो गया, तो आज घर पे बुला के उसको 10,000 रुपये वापस देने के लिए बुलाया था, तो वो डिमांड भी ट्रैप होने की वजह डिमांड वेरीफाई होने की वजह से हमने ट्रैप किया है। सर, लगातार एसीबी बड़े बड़े घुसखोरों पर कार्रवाई करती जा रही है, इस टाइम भ्रष्टाचारियों पर जो भगदड़ मची है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरीके से हम लोग परिवादियों के आने पे जो भी विधिक कार्रवाई होती है वो करते हैं, और एसीबी का हमेशा जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति रहा है, और हमारा जो एकमात्र एजेंडा है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई है। और इसलिए जिस व्यक्ति को भी रिश्वत की शिकायत करनी है वो शिकायत करने के बाद हम तत्परता से उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ये थे हमारे साथ एसीबी डीजी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, इन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं अब एसीबी किसी भी रिश्वतखोर को बर्दाश्त नहीं करने वाली है, चाहे रिश्वत की राशि छोटी हो चाहे बड़ी हो। कैमरा पर्सन सोहनलाल मीना के साथ नवीन शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो इस दौरान कार्रवाई यहां पर की गई और कार्रवाई के बाद डीजी क्या कुछ कहते हुए नजर आए ये भी हमने आपको सुनाया, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए, दरअसल वो चेहरे जिनको छुपाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ वो जिनके जरिए ये घूस यहां पर ली जा रही थी, और दूसरी तरफ वो अनुसुईया जो दरअसल यहां पर घूस ले रही थी, और तीसरी तस्वीर उन नोटों की जिनके जरिए घूस यहां पर 1,15,000 रुपए ली गई है। चेहरा छुपाने की कोशिश, चेहरे से आंसू टपकते, और इन सबके पीछे की वजह यानी कि ये नोट। दरअसल 15% यहां पर तय किया गया, ठेकेदार के 7.5 लाख रुपए की जो पेमेंट है वो करने के लिए, और उसका 15% यानी कि 1,15,000 रुपए यहां पर लिए गए। इस दौरान अनुसुईया किस तरीके से रोती हुई नजर आई, और दूसरी तरफ जिनके जरिए ये पूरी घूस यहां पर ली जा रही थी यानी कि बाबू रवि पारिक, वो चेहरा छुपाते नजर आए।